नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के बाढ़ पीड़ित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, 500 करोड़ रुपए की तत्काल मदद का ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए भी 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि। क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की जल्द मरम्मत के निर्देश। केरल में भीषण बाढ़ से हाहाकार, अब तक 324 लोगों की मौत, लाखों लोग पलायन को मजबूर, सभी जिलों में रेड अलर्ट, राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। कर्नाटक के कोडगु जिले में बाढ़ ने मचाई तबाही, राहत और बचाव में जुटी सेना। मॉरिशस का साइबर टावर का नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी टावर। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ का ऐलान। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने पर जोर। हिंदी में योगदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को किया गया याद। पाकिस्तान के नए वजीर आजम बने इमरान खान। राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। समारोह में बड़ी तादाद में सेना के अधिकारी शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई पूर्व और मौजूदा पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हुए शामिल। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों का आज होगा रंगारंग आगाज। नीरज चोपड़ा करेंगे 570 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई। ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरा टेस्ट आज से। टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैच हार चुकी है टीम इंडिया। देश का दक्षिणी राज्य केरल पिछले 100 साल के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य के सभी जिलों में बाढ़ के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके हालात का जायजा लिया। कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बाढ़ में हुए लोगों की मौतों पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया है। उन्होंने केरल में बाढ़ की चपेट में आने वाले मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्र केरल के बाढ़ में लोगों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि पहले भी दे चुका है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही NTPC और PGCIL जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को बिजली लाइनों को बहाल करने में राज्य सरकार को मदद देने का आदेश दिया है। ये 3 तस्वीरें हैं पलक्कड़, एर्नाकुलम, त्रिशूर की, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद बढ़कर 324 हो गई है। राज्य में हो रही भारी बारिश से करीब 2,23,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये लोग 1568 राहत कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। राज्य के ज्यादातर इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और पानी को बाहर निकालने के लिए 80 डैम खोल दिए गए हैं। अलापुझा, एर्नाकुलम, पथनमतिट्टा और त्रिशूर में स्थिति ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पंपा, पेरियार और चालाकुड़ी नदियों में तबाही मचाई हुई है। खराब मौसम के बावजूद राहत और बचाव का काम जारी है। शुक्रवार को 82,442 लोगों को बचाया गया। राज्य भर में अब तक 70,085 परिवारों के 3,14,391 लोगों को सुरक्षित पहुँचाया गया है। राज्य में तबाही के बीच सेना, वायुसेना, नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और NDRF की टीमें बाढ़ पीड़ित इलाकों के लोगों को बचाने की कवायद में लगी हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया है कि ऑपरेशन मदद के तहत केरल के सभी जिला मुख्यालयों पर हेलीकॉप्टर तैनात किया जा रहा है। इस बारे में वायुसेना को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेना ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में 18 जगहों पर रास्ते बहाल किए हैं और 11 जगहों पर अस्थायी पुल बनाए गए हैं ताकि फंसे हुए लोगों तक मेडिकल मदद पहुंच सके। केरल सरकार ने रक्षा मंत्रालय से बचाव कार्य के लिए 600 मोटरबोट भी मांगी हैं।
भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कोच्चि हवाई अड्डा 26 अगस्त तक बंद है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइन से कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम से उड़ानें संचालित करने के लिए कहा है। कोची एयरपोर्ट से उड़ानों के बंद होने से पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिए डीजीसीए लगातार कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी कर रहा है। हवाई टिकटों के सही दामों पर भी डीजीसीए की नजर है। अरियंकबू तेनमलई के बीच सेनकोट्टाई पुनलूर रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन होने से दक्षिण जिले से आने और जाने वाली ट्रेनें पूरे आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए हैं। हर समय केरला के अफसर से बात कर रहे हैं, वहाँ पर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और सबके लिए यही निर्देश हैं, सबके यही कमिटमेंट है कि केरला की जो जो भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति की जाए। इस विभीषिका को देखते हुए उसी क्रम में एनडीआरएफ के द्वारा भी जितनी भी टीम्स वहाँ डिमांड की गई थी वो टीम्स भेज दी गई हैं। अभी आज हमारे 58 टीम्स 58 टीम वहाँ पर डिप्लॉय हो रहेंगे और जो भी दूसरे इक्विपमेंट हैं इस स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो हाउस क्लैप्स की स्थिति हो, लैंडस्लाइड्स हो या मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस देना हो, तो उनके निपटने के लिए हमारी टीम वहाँ पर कार्यरत है। 4:30 इन द मॉर्निंग वी वर इन्फॉर्म दैट वाटर वाज राइजिंग अप लाइक हेल एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड देन वी वर शिफ्टेड टू द फर्स्ट फ्लोर देन वी कुड सी दैट both sides of the road it was completely covered with water more than our height. I am now we are residing in a friend's house. Everything is lost with water. Labor and also small agriculturist. So many more than 40 to 50 acres land is collapsed. That was they lost their houses and property also. केरल में भीषण बाढ़ से लोग परेशान हैं और फिलहाल यहाँ जो नदियाँ हैं उन्होंने तबाही मचा रखी है। राज्य में तबाही के बीच सेना, वायुसेना, नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ित इलाकों से लोगों को बचाने में लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हवाई सर्वेक्षण किया है और केरल सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से डोनेशन भी देने की अपील की है। और ये जो डोनेशन है वो donation.cmdrf.kerala.gov.in के जरिए कोई भी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकता है। 100 साल के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ से केरल इस वक्त जूझ रहा है और सभी जिलों में इस वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। ताजा हालात के बारे में जानकारी लेंगे, हम बात करेंगे सरिता एस बालन, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द न्यूज़ मिनट की, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सरिता, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ बात करने के लिए। फिलहाल जो अभी स्थिति है, जो हालात है, उसके बारे में जानना चाहेंगे और तमाम टीमें हैं जो इस समय राहत और बचाव के काम में जुड़ी हुई हैं, इस समय कहाँ स्पेशल फोकस है राहत टीमों का? हाय, अभी तो स्पेशल फोकस है चेंगन्नूर इज अ टाउन इन द बॉर्डर ऑफ पत्तनमतिट्टा एंड आलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट. The heavy rains and the floods caused by the heavy rains have been unleashing havoc in the state for the past 2 weeks. And at least 324 people, as per the official information, as per what the chief minister said in a press meet on Friday night, the number of people who have died in the floods is 324. And as many as 3 lakh people have been housed. As many as 3 lakh people have been accommodated in various relief camps across the state. And as of now, earlier when the rain started, the problem was with the northern part of the state, like Malappuram, Kozhikode and Wayanad district. Mm-hmm. But in due course, Pathanamthitta has become one of the worst affected districts, and now the focus of rescue operations. Mm-hmm. As of today, the focus of rescue operations is of Chengannur, which is a town in Pathanamthitta. Mm.
All right. Thank you so much, Sarita, for speaking to us. तो इस समय केरल में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और बाढ़ पीड़ित इलाकों का प्रधानमंत्री ने भी हवाई सर्वेक्षण किया है। फिलहाल जो तत्काल और फौरी मदद दी गई है, आपको बता दें 500 करोड़ रुपए की तत्काल मदद का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। साथ ही केरल सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से भी डोनेशन देने की अपील की है। donation.cmdrf.kerala.gov.in के जरिए कोई भी व्यक्ति बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकता है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी केरल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तेलंगाना ने केरल को 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 मीट्रिक टन भोजन सामग्री भी भेजी है। दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी केरल को 10-10 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 100 मीट्रिक टन तैयार खाने के पैकेट बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने ट्विटर पर बताया कि उनके मंत्रालय के अधिकारी तेलंगाना, केरल सरकार और वायुसेना के संपर्क में हैं ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों तक भोजन जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। संयुक्त अरब अमीरात भी केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उसने भी हाथ बढ़ाया है। वहां की सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आपातकालीन समिति का गठन किया है। रेलवे ने 2.8 लाख लीटर पानी की टंकियां भरकर ट्रेन से केरल भेजी हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में भयावह बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर दुख जताया है और राज्य के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पूरे केरल और कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश से बहुत तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि इस समय कार्यकर्ता और नेता केरल के लोगों की मदद करें। और दूसरे हिस्सों की बात करें तो कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इस समय भीषण बाढ़ आई हुई है और कुछ भाग सूखे से जूझ रहे हैं। कर्नाटक में कम से कम 16 ऐसे जिले हैं जहां कम वर्षा दर्ज की गई है और सरकार इन्हें सूखा प्रभावित घोषित करने पर विचार कर रही है। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलूर, कोडुकु, हासन के कुछ इलाके और उत्तरी कन्नड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की चपेट में है। बारिश से प्रभावित कर्नाटक के कोडगु जिले में बाढ़ और भूस्खलन के कारण वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना बचाव अभियान में जुटी हुई है। कोडगु की डिप्टी कमिश्नर श्री विद्या ने 3 मौतों की पुष्टि की है। आई एम कंस्ट्रक्टिंग माय हाउस देयर नियर बाय माय नेबर मोहन कुमार फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स आई एम कंस्ट्रक्टिंग नाउ इट इज इन फिनिशिंग स्टेज but all of a sudden the flood came. We don't know what to do. There are lot of things left in the house like materials, sand, cements and no we are in no way to lift the things. बात कुछ और खबरों की। मॉरिशस में आज 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हो गया है। ये सम्मेलन 20 अगस्त तक चलेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ और वहां की शिक्षा मंत्री लीला देवी दुकन लक्ष्मण ने भी संबोधित किया। सम्मेलन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस के साइबर टावर का नाम अटल जी के नाम पर रखने का ऐलान किया है। मॉरिशस की शिक्षा मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक कवि के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदी एक भाषा नहीं पूरा जीवन दर्शन है और इसे विश्व भाषा बनाने में अप्रवासियों की भूमिका अहम है। इस दौरान सम्मेलन के शुभंकर पर एनिमेशन फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने भाषा को बचाने की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने पर जोर देते हुए यूएन से हाल ही में शुरू हुए साप्ताहिक हिंदी समाचार की जानकारी भी दी। मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। उनको इस भाषा के प्रति मेरा प्रेम समझना। We would like Sri Vajpayee's name and legacy to endure in Mauritius. Ladies and gentlemen, I am honored to inform you that the cyber tower which he contributed to set up in Mauritius will henceforth be named as
the Atal Bihari Vajpayee Tower. जहां तक संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकृत भाषा बनाने का संबंध है, कुछ बाधाएं उसमें हैं, क्योंकि एक तिहाई बहुमत चाहिए, वो जुटाना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 129 देशों का समर्थन चाहिए, लेकिन कठिनाई केवल यह है कि उस पर आने वाला व्यय उन तमाम देशों को देना होगा जो समर्थन करेंगे, उनमें बटेगा। यदि संयुक्त राष्ट्र ये नियम बना ले कि जो देश अपनी भाषा को अधिकृत करवाना चाहता है पूरा व्यय वो वहन करेगा, तो हम कल हिंदी को अधिकृत भाषा बनवा दें। मैंने तो संसद में कहा था कि 40 करोड़ नहीं 400 करोड़ का भी अगर खर्च होगा तो हम देने को तैयार हैं संयुक्त राष्ट्र में अधिकृत भाषा बनाने को। और इस समय मॉरिशस में रुक करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद कुमार सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, हम आगे बढ़ें उससे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले वहां अटल जी को याद किया गया और जिस टावर को बनाने में, जिस साइबर टावर को बनाने में अटल जी ने योगदान भी दिया, उसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, एक कवि के रूप में। और हम जानते हैं विदेशों में भी अपने भाषण को लेकर, हिंदी पे पकड़ को लेकर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। एक श्रद्धांजलि दी गई उन्हें याद करके। श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ करने वाला हूं। मैं बताना चाहूंगा प्रीति कि अभी एक मिनट के अंदर जो है अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सत्र आयोजित किया जाने वाला है, इसी हॉल में वो आयोजित हो रहा है, इसलिए हम ये लाइव भी जल्दी खत्म करेंगे। ये पूरा जो उद्घाटन सत्र रहा है उसमें जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने काफी अभिभूत होकर के बहुत सारी बातें कही, और जो साइबर टावर है जिसके बनाने में बड़ा योगदान रहा अटल जी का, उसको याद किया। साथ ही साथ उन्होंने अटल जी की यात्राओं को भी याद किया, और बहुत सारे ऐसे पक्ष रहे जो हिंदी के विकास में किस तरह से जो है आगे है। जो हिंदी प्रेमी है, हिंदी जगत है, वो आगे आ सकता है, और पूरा एक वैश्विक भाषा के रूप में अन्य सारे पक्षों पर एक व्यापक चर्चा हुई उद्घाटन सत्र में। और उसके बाद के जो सत्र हैं, जो पूरे जो 7 सत्र हैं, उनमें काफी गंभीरता के साथ इसके अलग अलग पहलुओं और संस्कृति से संबंधित पक्ष पर चर्चा होने जा रही है। प्रीति जी, अरविंद जी, बात करें तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 1975 में हुआ नागपुर में, और आज हम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें, हिंदी को लेकर, उसके प्रचार प्रसार को लेकर, और जैसा सुषमा स्वराज ने भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो, इस बात पर भी जोर देना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा बने इसकी भी कोशिश हो रही है, कितना सफर तय कर पाए हैं इसे लेकर हम? और उस मुन्ने को और इस मुन्नी को कहना चाहता, सुन मेरे मुन्ने, नहीं बेशक ये पिछले जो है अगर 10 सम्मेलनों की बात करेंगे 11वां ये है, इसमें बहुत लंबा सफर तय हुआ और बहुत सारे पक्ष जिसको कहिए कि उसको कवर किए गए, और अब जरूरत यह है कि जो हिंदी है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता जो है उसके तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और उसी को, क्योंकि एक ग्लोबल भाषा बनाने के लिए जो है जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हिंदी कैसे जुड़े और उसकी भाषा की जो शुद्धता है वो कैसे बचाई जाए, इस पर जो आने वाले सत्रों में काफी गंभीर मंथन होना है। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हिंदी सम्मेलन को लेकर, विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर आपसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अब अलविदा अटल। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी कल पंचतत्व में विलीन हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी का स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गजों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले बीजेपी मुख्यालय से लेकर स्मृति स्थल तक अटल जी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई शीर्ष नेता अटल जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले अटल जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी मुख्यालय में रखा गया था, जहां उनके समर्थकों और चाहने वालों को का हुजूम उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा। राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जितना सराहा गया, आज के दौर में शायद ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है।
कल उनके अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब इसी बात का सबूत है। अटल के आखिरी दर्शन करने और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए देश भर से दिग्गज नेता तो पहुंचे ही, कई दूसरे देशों के मंत्री और राजनेता भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति स्थल पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अपने इन शब्दों और भावनाओं के साथ पंच तत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरे राजकीय सम्मान और रीति रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई गणमान्य हस्तियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अंतिम विदाई दी। स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं ने भी सलामी दी। अटल बिहारी वाजपेयी के ताउम्र साथी रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अटल जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प गुच्छ अर्पित किया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे अटल जी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अटल जी को अंतिम विदाई देने स्मृति स्थल पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इनके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ ही सार्क देशों के कई मंत्री भी स्मृति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय से स्मृति स्थल तक आर्मी बैंड के साथ अटल जी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता पैदल चलकर स्मृति स्थल तक पहुंचे। इस मौके पर अटल जी को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ा। अटल जी ने इस दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो इस तरह एक युग की समाप्ति हुई, महान वाजपेयी युग की। राजनीति चलती रहेगी, सरकारें चलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसे नेता के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लोग याद रखेंगे जिनका कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ मित्र थे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन टीके पांडे और हमारे साथी रिपोर्टर पंचानंद मिश्रा, रविंद्र सेवरान, नवविक्रम सिंह और किति मिश्रा के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए आज एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में अटल जी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु शीर्षक से एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अटल जी अदृश्य क्षितिज की ओर अपनी यात्रा पर चल दिए। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे अब तक कोई नहीं जीत पाया और अटल जी भी अपवाद नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें अपनी पीढ़ी के अन्य लोगों से बेहद अलग बनाती है वो है अनेक लड़ाइयाँ जो उन्होंने अपने जीते जी बुनियादी मूल्यों और प्रतिबद्धता के साथ अटल रहते हुए लड़ी। वो अपने पूरे जीवन में अटल और बिहारी दोनों रहे, लेकिन नए भारत का सपना देखते हुए भी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा है कि ऐसे दूरदर्शी राजनेता इस दुनिया में कभी कभार ही होते हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खबर पाकिस्तान से, जहां तरीके इंसाफ के नेता इमरान खान ने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इमरान खान के शपथ ग्रहण में बड़ी संख्या में सेना के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे।
शपथ ग्रहण में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कई पूर्व और मौजूदा पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रमुख इमरान खान कल बहुमत से नए प्रधानमंत्री चुने गए। इमरान की पार्टी 25 जुलाई को हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पिछले महीने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में पीटीआई 115 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बात खेलों की, आज से 18वें एशियाई खेलों का आगाज हो रहा है। भारत ने इस बार 570 खिलाड़ियों का दल इन खेलों में भेजा है। ये इन खेलों में भारत का सबसे बड़ा दल है। एशियन गेम्स के 18वें संस्करण का आगाज आज से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने जा रहा है। खेल 2 सितंबर तक चलेंगे और इस साल अप्रैल में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में तीसरा स्थान हासिल किया था। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से नॉटिंघम में शुरू हो रहा है। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कप्तान विराट कोहली कप्तान के रूप में अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का इंग्लैंड में सामना कर रहे हैं और इनके पास नॉटिंघम में बतौर कप्तान साख बचाने का आखिरी मौका है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैच में हार का सामना करने के बाद सीरीज में 0-2 से पिछड़ने वाली भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच में जीत के इरादे से उतरेगी। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आखिर में जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।